चैनल, आज मैं आप लोगों को कोई रेसिपी बताने के लिए नहीं आई। आज मेरा छोटा सा किचन का टूर कराने के लिए आई हूँ। ये मेरा ओन हाउस है और ये ज़्यादा कोई मॉडुलर किचन तो है नहीं, सिंपल सा किचन है। लेडीज का ज़्यादातर वक्त कहाँ बिताते हैं, किचन में। अगर किचन हम लोग अपने हिसाब से अरेंज करेंगे तो वहाँ काम करने में हमें थकावट नहीं होगा। उसी हिसाब से मैंने भी अपने किचन को डेकोरेट करने की कोशिश की है। तो चलिए फिर उसका टूर करते हैं। ये हमारा ओपन किचन है। ये 2 BHK का हाउस है और इंडिपेंडेंट हाउस है। देखिए बाहर से ये हमारा ओपन किचन, यहाँ से एंट्रेंस है। अंदर जाते ही पहले दिखने वाला सिंक है। सिंक के बाजू एक टॉवल है जो हाथ धोने के बाद कुकिंग करते वक्त क्लीन करने के लिए हैंग किया हुआ है। सिंक के ऊपर ही एक प्यूरिफायर है और सिंक के टैप के पास एक बास्केट को रखा है जिसमें ब्रशेस, जो भी क्लीनिंग के आइटम्स होते हैं उसके अंदर रख देती हूँ। नीचे सिंक के पास एक विम लिक्विड है। सिंक के बिल्कुल बाजू मैं एक चॉपिंग बोर्ड को हैंग करके रखी हूँ। सिंक के ऊपर ही विंडो है। विंडो के नीचे वुडन का चॉपिंग बोर्ड है। चॉपिंग बोर्ड के बाजू ही मैं एक ट्रे में एक जग भर के पानी रखती हूँ और एक ग्लास रखती हूँ। जब भी मुझे प्यास लगता है मैं बिना सोचे और देर किए हुए पानी पी सकती हूँ और खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और 3 बर्नल का ये मेरा गैस है। उसी के बाजू एक ट्रे है, सेरेमिक का ट्रे है, जो मैं खाना बनाते वक्त स्पून्स रखने के लिए यूज़ करती हूँ। अभी तो उसके अंदर लाइटर और टक्कर है। उसी के बाजू, गैस के बाजू कॉर्नर में मैं टिश्यू टॉवल यूज़ करती हूँ और स्पून होल्डर है। स्पून होल्डर एक 4 पार्टीशन का है। मैं एक के अंदर स्पून से रखती हूँ, एक के अंदर नाइफ और एक के अंदर सीजर्स, जो भी होते हैं कुकिंग में यूज़ होने वाले वो रख देती हूँ। और इस ओखली में मैं ओनली इलायची, अदरक, चाय के लिए, मीठे के लिए जो यूज़ करते हैं उसी के लिए यूज़ करती हूँ। ये नीचे के ओखली में मैं अदरक, लहसुन, मिर्ची, खाना बनाने के लिए हर चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं डोसा बनाने के लिए, कल डोसा बनाने के लिए चावल वगैरह भिगो के रखी थी। यहाँ एक स्टैंड है। स्टैंड के अंदर तेल, चपाती को लगाने वाला तेल, इमली, हॉर्लिक्स और चपाती को लगाने आटा, सूखा आटा, नमक रखती हूँ। और इसी के ऊपर एक ओपन कैबिनेट है, उसके अंदर जो आप लोगों को बॉटल दिख रहे हैं उसके अंदर सारे मसाले भर के रखी हूँ। पीछे एक लाइन है, आगे एक लाइन है। इसमें जो भी मसाले मैं लाती हूँ उसका स्टिकर लगा के मसाले डाल के रख देती हूँ। और ये है हमारा डेली यूज का मसालेदान। उसी के बाजू शुगर और टी पाउडर का स्टील का डिब्बे है। छोटे छोटे बॉक्सेस में मैं शुगर पाउडर, इलायची पाउडर, मिल्क पाउडर, ग्रीन टी पाउडर, ऐसे रेगुलर के आइटम्स रख लेती हूँ। और ये मेरे कॉफ़ी मग्स हैं, इसके पीछे टी के लिए छोटे छोटे साइज के हैं। और इसी के बाजू मैं ओवन रखने के लिए एक कैबिनेट को बनवाई थी, उसी के ऊपर ग्राइंडर के जार्स रख देती हूँ। और उसके साइड में एक स्टैंड है प्लास्टिक का, उसी के अंदर मैं जो भी एक्स्ट्रा कप्स है, सेरामिक के बाउल्स है, उसमें रख देती हूँ। और ये नीचे बॉक्स के अंदर ओवन है। और उसी के नीचे थोड़ा सा प्लेस ओपन छोड़ा गया है,
मैं यहाँ पे टमाटर रखती हूँ, टमाटर फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं। और ये मेरे एप्रॉन, क्लीनिंग के क्लॉथ्स, एल्यूमिनियम फॉइल, ये चपाती बनाने का। और यहाँ स्टैंड में मैं ऑनियन रखती हूँ, ऑनियन, गार्लिक, लहसुन अगर भी रखती हूँ, लेकिन अभी ऑनियन ज़्यादा है इसीलिए मैं इसमें ऑनियन ही रखी हूँ। ये मेरा राइस कुकर, और उसके बाजू हमारा ग्राइंडर है। मेरे पास फूड प्रोसेसर भी है, अभी वो रिपेयरिंग के लिए है, लॉकडाउन की वजह से उसे निकाल के रखती हूँ। और एक इंडक्शन, ये गर्मियों में निकालती हूँ मैं, हॉल में उस साइड खड़े रह के हम लोग चपाती वगैरह बना सकते हैं, किचन में खड़े रह के बनाना बहुत मुश्किल होता है समर में, स्पेशली मैं समर के लिए ही ली हूँ, बस एवरी समर में वो बाहर आता है। पहले तो हम लोग ऊपर के कैबिनेट देख लेंगे जिसके अंदर दाल, स्नैक्स आइटम्स, हर चीज़ है। ये फर्स्ट वन कैबिनेट, यहाँ पे सारे ग्लास के बॉटल्स है, ये हनी के बॉटल्स हैं, जो पीछे है वो भी प्लास्टिक के हनी बॉटल्स ही हैं। इस बॉटल के साथ वो बॉटल को फ्री दिया गया था जब। यहाँ पे मैं जीरा, तिल, राजमा वगैरह रख देती हूँ। पीछे साबुदाने, चने और मूंग, ऐसे चीज़ें रख लेती हूँ। यहाँ पे ऊपर स्टील के डब्बे हैं, स्टील के डब्बे में ये सारे डब्बे 2 kg, 4 kg के हैं, जो भी ज़्यादा आइटम होते हैं मैं इसी में डाल कर रख लेती हूँ। ये बीच वाला कैबिनेट है, बीच वाले कैबिनेट में मैं इसमें भी आगे एक ग्लास के बॉटल्स हैं, पीछे प्लास्टिक के बॉटल्स हैं, जहाँ पे सारे दाल और ग्रीन टी, तेज़पत्ता, ऐसे सामान डाल के रखती हूँ, जो भी ड्राई आइटम्स हैं वो प्लास्टिक में डाल कर रखती हूँ। और आगे जो भी ग्लास के बॉटल्स हैं, ये हम लोग कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी मंगवाते हैं हर महीने, उसी के बॉटल्स है ये, देखिए कॉन्टिनेंटल एक्स्ट्रा और कॉन्टिनेंटल गोल्ड बोल के दो आते हैं, हम लोग एवरी मंथ यही बॉटल मंगाते हैं, ये इसी के बॉटल्स हैं। और इसके ऊपर के कैबिनेट में, यहाँ ऊपर सोयाबीन, पोहा और पीछे सारे अचार है, नींबू के अचार, आम का अचार है, टमाटर का अचार है, पीछे साइड पूरे अचार रखे हुए हैं। यहाँ पे है देखिए बादाम, डेली यूज के बिस्किट्स, और वहाँ पीछे जो रेड बॉक्स दिख रहा है उसमें मैं घर में पिसा हुआ हल्दी रखी हूँ फेस के लिए, पैक के लिए यूज़ करने के लिए। और ये तुवर का दाल डेली यूज़ के लिए। ऊपर है सब्जियों में डालने के लिए पीनट पाउडर, और ये तलने के लिए तेल, मैं तलने के लिए रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ। और ये ऊपर जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स हैं यहाँ मैं ऊपर रख देती हूँ। ऊपर का कैबिनेट हो गया। अभी गैस के नीचे जो कैबिनेट होता है उसके अंदर सारे स्पून, वुडन्स के स्पून, बेलन और ये तड़का स्पून, नींबू निकालने वाला, और जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक के स्पून, फोर्क वगैरह है इसी के अंदर, चाय की छन्नी और नीचे पीछे चाय के ग्लासेस। और ये मेजरमेंट कप्स, और ये कुछ डेली यूज करने वाले बाउल्स, छोटे कटोरियां है ये। अभी इसके नीचे सबके टिफिन बॉक्स और डिश आउट करने के लिए छोटे छोटे बाउल्स, ये डेली यूज के आइटम्स हैं। इसी के नीचे
कढ़ाई, हॉट बॉक्स और छोटे छोटे बाउल्स, भगोने वगैरह है। और साइड में दूसरे कैबिनेट में यहाँ पे तीन कुकर है, एक 5 लीटर का कुकर, 3 लीटर का और 1.5 लीटर का, 3 कुकर्स है। और चाय बनाने के लिए जो बाउल्स यूज़ करते हो वो मैशर जो ओल्ड मॉडल का है मेरे पास, उसके नीचे प्लेट्स का है। मैं सारे जो डेली यूज़ के लिए यूज़ होते हैं वो यहाँ रखे हो, सारे सेरेमिक के। राइस कुकर के नीचे के कैबिनेट में जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं यहाँ रख देती हूँ, जैसे प्याज, गार्लिक, ग्रॉसरी और साल भर के लिए मिर्ची, पापड़, जो भी चीज़ हम लोग बनाते हैं साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, वो सारे आइटम्स मैं यहाँ रख देती हूँ। इसी के बाजू और एक छोटा कैबिनेट है, ये ऊपर वाले बॉक्स में मैं बिस्किट्स रखती हूँ। और इस बॉक्स में ऑयल रखती हूँ। ऑयल सेपरेट क्यों रखती हूँ बोतल, तो अगर ये डैमेज हो गया तो फिर सारा आइटम गंदा हो जाएगा, इसीलिए ऑयल को मैं सेपरेट रखती हूँ। ये रिफाइंड ऑयल है, मैं ये तलने के लिए एवरी मंथ 2 से 3 पैकेट्स मंगवाती हूँ। ये तो हम लोग पीनट का ऑयल ही यूज़ करते हैं। और इसके नीचे रेगुलर के जो मसाले एक्स्ट्रा मंगवाती हूँ इस बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, ओनली मसाला आइटम्स। अभी इसी के बाजू कैबिनेट में हम लोग आटा, चावल, जो डेली यूज़ के आइटम्स है वो रख देती हूँ। फर्स्ट वाले डब्बे में गेहूँ का आटा रखती हूँ, नेक्स्ट चावल, जवारी का आटा और शुगर, जो भी ज़्यादा ज़्यादा आइटम होता है मैं इस बॉक्स में डाल के रख देती हूँ स्टील के। और ये पीछे है सरसों का तेल और तल के बचा हुआ ऑयल, के नीचे का कैबिनेट है मेरा फूड प्रोसेसर जो रिपेयर के लिए है बोल के मैं बताई थी, सिलेंडर के लिए। सिलेंडर के बाजू जो कैंस है उसमें ऑयल है, पीनट ऑयल, मिल से हम लोग महीने में एक ही दम मंगा लेते हैं। आप लोगों को मेरा सिंपल सा किचन कैसा लगा बताइए, बस जितना प्लेस है उसी में अरेंज करके रखे हैं। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और एक बात, अगर आप लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के बाजू जो बेल बटन होता है उसे प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलते रहे। और अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं।